हेलो, वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से शुरुआत हो रही है हमारे घर से। तो आज हमको घर वाले जो है वो अकेला छोड़ के गया। मामा जी के घर में छोटा सा फंक्शन था, तो घर वाले मम्मी पापा जो है वो दोनों वहाँ पे गए हैं और मैं हूँ अकेला। और तूफान ने बहुत बुरी हालत की है भाइयों, पूरे घर पे कचरा ही कचरा हो गया। अभी पूरे आंगन में जो है ना, पूरे पत्ते ही पत्ते आ गए हैं। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये सारा एक्ट ऑफ गॉड है। तो जो कर रहा है भगवान कर रहा है। देखो, सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई। और मेरी मम्मी जो है ना, गंद से बहुत हेट करती है, वो इन चादरों को थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने देती। और आज हवा ने सब कुछ खराब कर रखा है, कुर्सी वुर्सी सब टेढ़ी हो गई है। तूफान, हमने गायें भी रखी हैं, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है, घर का ध्यान भी रखना है और खेतों का ध्यान भी रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो वैसे तो दिन में कोई काम नहीं था, पर शाम को जो है वो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, थोड़ा सा चेकिंग वेकिंग करनी पड़ती है। तो अभी जो हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या बोल के गए मुझे, बहुत डिफिकल्ट। तो देखो भाई, आज तूफान ने इतनी बुरी हालत की है ना कि सारे ही फ्लावर झड़ गए हैं, पूरे ही सबके सब फ्लावर जो है नीचे गिरे हैं झड़ के। कोई नहीं, आजकल तो टाइम चल रहा है, फिर से ग्रो हो जाएंगे। और आपको नीचे हिमाचल के ना एप्पल भी दिखाता हूँ, जो हमारे नीचे हिमाचल में जो एप्पल तैयार हो रहा है, ये देखो, इस मेरे घर पे लगे हैं एप्पल। ये अभी छोटे छोटे हैं, थोड़े वहाँ पे भी है, ऊपर बहुत से हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे भी सेब तैयार हो जाता है, पेड़ भी बहुत सही होता है, आपके घर की डेकोरेशन भी बढ़ाएगा और सेब भी देगा, और क्या चाहिए इंसान को। इसके बाद चलते हैं, देखा देख के आते हैं पीछे। अब आगे का हो गया, पीछे। और उससे पहले मिलते हैं ब्रूनो ब्रदर से। हेलो ब्रदर, ये उछलेगा मेरे को देख के। हेलो ब्रदर, चल चल कोशिश कर, बहुत प्यार करता है मेरे से, बहुत प्यार करता है भाई। बच्चे आजा, चल लेट जा। हाँ, तो जो फर्स्ट काम मेरे को बोल के गए हैं कि यहाँ पे घास होना चाहिए, ठीक है, सुबह गाय के लिए घास होना चाहिए। तो अंकल घास वगैरह जो है डाल गए हैं, ठीक है। तो पहला काम हो गया हमारा, और गाय ऊपर भी बांध दी उन्होंने। आओ, आज आपको अपनी गाय से भी मिला देते हैं। चल भाई, ये काली वाली, ये भी काली वाली, लाल वाली, ना मुझे इनके पता नहीं है। चल, तो गाय भी बांध दी है। तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको हमारी गाय, ये मेरी फेवरेट वाली है। कंटेंट था नहीं मेरे पास, वो कुछ बना नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि घर पे हैं तो घर से ही आपको घर के दर्शन करवा देते हैं और छोटा सा ब्लॉग भी बना देते हैं। इसीलिए अपने शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपके लिए एक प्यारा सा घर का ब्लॉग लेके आ रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरा ब्रूनो है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो जो इस टाइम भी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मौसम, आपको फसल दिखाता हूँ, फसल रेडी हो गई है और इसको खोलने का टाइम भी हो गया। ये बोल रहा है कि मेरे को खोल दो। बेटा खोल देता हूँ तेरे को, रुक 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 रुक, वेट 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 वेट, खोलना नहीं है तेरे को, रुक रुक, अभी इसको खोल लूंगा ना, तो देखना कैसे भागेगा ये एक बार रुकता है ना ये मेरे पास, फिर एकदम से भाग जाएगा खोलने के बाद। पर यार मैं दिखाऊंगा आपको और खोलूंगा एकदम एक साथ ना, ये खोलने नहीं देता अपने आप को, देखना। अभी मैं इसको हाथ लगाऊंगा ना, साला खोलने नहीं देता अपने आप को। पुत्र खोलने दे, आई यार खोलने दे, देखो भाग। तो भाई आज़ादी सबको पसंद है, इस साले को ज़्यादा पसंद है। तो देख रहे हो फसल जो है वो कटने के लिए तैयार है भाई, फसल बहुत अच्छी है इस बार, मुनाफे वाली फसल है।
तो फसल भी कटेगी, वो ब्लॉग भी आपके लिए हम ज़रूर लेके आएंगे। हमारी कनक बहुत एडवांस तरीके से कटती है, तो आपको वो वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। न्यू टेक्निक के थ्रू हम कनक काटते हैं, वो पुराने ज़माने के तरीके हमने छोड़ दिए। तो आई होप आपको वो तरीका भी पसंद आएगा। और अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटिन्यूटी में ही आपको ये सब हम दिखा पाएंगे, ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं। देखो यार, पूरे बगीचे बगीचे हैं मेरे घर के आसपास, हर तरफ पेड़ है, तो ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है हमारे हिमाचल में। और हमारा एरिया वैसे भी बहुत हरा भरा है, क्योंकि ये ऊपर के हिमाचल की तरह वैसा नहीं है, यहाँ पे पेड़ घास पौधे सब कुछ होता है। और आप जो पीछे देख रहे हो वो धौलाधार रेंजेस है, तो ठंडा इलाका है हमारा, पीछे धौलाधार के पहाड़ है। और व्यू जो कई बार वहाँ पे मौसम साफ होता है ना, तो व्यू अल्टीमेट आता है भाई। पे अगर हिमाचल में यार 10% फ्रूट तैयार होता है ना, तो उसमें से 8 जो है वो मेरे घर पे लगे हुए हैं। लीची लगी है, अमरूद लगा है, मतलब एक्स वाई जेड कम से कम 15-20 फ्रूट लगे हुए हैं। तो आजकल जो टाइम जो है वो है, लुगाट का पेड़ दिखाता हूँ, ये एक लुगाट लगा है, देखो कितना फ्रूट लगा है इस पे। और इस टाइम पे ये पक चुका है ना, तो बहुत मीठा है। और एक पेड़ है, ओए कम कम बेटा आ जा। एक पेड़ है हमारा ये लुगाट का, ये ऊंचा है, इसके लिए सीढ़ी लगाई हुई है। मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार चढ़ा हूं इसके ऊपर, जिंदगी में एक बार चढ़ा हूं और एक बार इसका लुगाट खाया है। तो इस खेत में पानी भी लगाना है मेरे को, घर के साथ में ही है, तो आज यही पॉसिबल है कि मैं इसी खेत में पानी लगाऊं, ताकि जो है वो जितनी देर में पानी ऑन करूं मेरे को रात में ही पता लग जाए, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फ़ायदा तो है नहीं, कल सुबह स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी थोड़ी देर मोटर ऑन कर देता हूँ ताकि ये खेत भर जाए, इसको पानी की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम मोटर ऑन करके दिखाते हैं, फ़ोन करूँगा मैं और यहाँ से पानी आ जाएगा। आवाज़ सुन रहे हो, चल पड़ी है। ओके ओके ओके, मुझे लगता है पाइप गंदी थी, ये पानी तो बिल्कुल साफ आता है। ओके ओके, अभी देखना कितना प्रेशर आता है भाई। ओके, सांसें ले रहा है। ये साफ पानी। तो भाई धीरे धीरे ये पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत प्रेशर से आता है पानी। तो अभी हमने पानी भी लगा दिया है। एक बार मैं आपको पूरी चारों दिशाओं से आपको अपने घर का टूर करवाता हूँ इस वक्त का, तो हमारे साथ रहिए और म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए घर का टूर। आशा करता हूँ कि आपने मेरे घर का टूर पसंद किया म्यूज़िक के साथ। तो अभी हम पहुँच गए टेरिस में, तो एक बार आपको टेरिस भी दिखा देता हूँ अपना, बहुत प्यारा व्यू है हमारे टेरिस से भी। आप शाम को आओगे, आपको पूरी शांति मिलेगी और पूरा पीस का मज़ा मिलेगा। तो देखो यार, मेरे टेरिस का भी एक बार कैंट कैंट व्यू दिखता है लाल, और यहाँ पे आप हमारे पूरे खेतों पे नज़र भी रख सकते हो। ऐसे ऐसे वक्त पे गाना काटना पड़ता है कॉपीराइट की वजह से, पर मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए, बट शायद मेरे को एक क्लिप काटनी पड़े, पर मैं छोटी सी क्लिप फिर भी डालूंगा आपके लिए।
जरूर चल।